माफ कर दीजिए हुजूर आला, मैं गुनहगार हूँ, हुजूर आला मुझे माफ कर दीजिए। हुजूर, इंतजार करो। तुम्हारी कटी हुई उंगली हमें हमारी शिकस्त की याद दिलाती है, जैसे उदय सिंह ने तुम्हारी उंगली नहीं हमारी नाक काट दिया। तुम्हें गुस्सा नहीं आता अपनी ये कटी हुई उंगली देखकर? गुस्सा तो हर वक्त आता रहता है, जहां पना हर लम्हा हर दिन बस इंतजार करता रहता हूं उस जंग का, जहां बस मुझे एक मौका मिले उस उदय सिंह के सामने का। कसम खुदा की दोनों बाजू ने उखाड़ के फेंक दी उस उदय सिंह की, तो मेरा नाम भी हुसैन अली। उदय सिंह तुम्हारा सर भी काट सकता था और उसने तुम्हारी उंगली काटी, जानते हम क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि तुम ताउम्र हर रोज जिल्लत की मौत मरते रहो। आप क्या कहना चाहते जहां अपना? वो देखो हमारे उस गुलाम को, इसने अभी अभी एक गलती की, इसने अपनी बेवकूफी से हमारी पसंद का समाधान तोड़ दिया। गलती मामूली है लेकिन माफ नहीं करेंगे हम इसे। और उस उदय सिंह ने तुम्हारी उंगली काटी। हुसैन अली, तुम हमारे सबसे जाबाज सिपाही, तुम्हें उदय सिंह को छोड़ना नहीं चाहिए था। तबाह कर दो इन तमाम राजपूतों को, हम तुम्हें एक मौका और दे रहे हैं। जाओ और जाकर उदय सिंह का पीछा करो। वो किले से बाहर निकल चुका है कहीं छिपने के लिए अपने पूरे खानदान के साथ। उसे कैदी बनाकर हमारे पास ले आओ। तुम्हें जितने सिपाही चाहिए, जितने घोड़े चाहिए लेकर जाओ। जब तक तुम उसे कैदी नहीं बना लेते कहीं रुकना रुकना। मैं बदले का यह मौका हरगिज अपने हाथों से नहीं जाने दूंगा हुजूर। मैं वादा करता हूं इस बार आपको ना उम्मीद नहीं करूंगा जहां पना। हम भी वादा करते हैं तुमसे, अगर तुम उदय सिंह के साथ साथ उसकी रानियों को कैदी बनाकर हमारे पास लेकर आए तो हम खुद तुम्हें इनाम और इकराम से नवाजेंगे। मुगल तारीख में तुम्हारा नाम हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। अब जाओ यहां से। लंबे समय बाद फिर से अकबर के खेमे में हलचल हुई। मुगल सेना तो दक्षिण दिशा की ओर जा रही है। हम जानते हैं क्या कर रहे हैं। ये मुगल सैन्य टुकड़ी दाजी राज के पीछे जा रही है। निश्चित रूप से उन्हें पता चल चुका है कि दाजी राज राज परिवार सहित एक सुरक्षित स्थान पर जा चुके हैं, दुर्ग से बाहर जा चुके हैं।
कुंवर प्रताप, अकबर एक कपट नीति वाला राजा है। वो धोखे से अपने शत्रु के स्त्रियों और बच्चों को पकड़ लेता है और फिर भया दोहन कर राज्य हड़प लेता है। जयमल जी, हमसे लड़ने का साहस नहीं है उसमें, और इस दुर्ग में घुसना इतना सरल नहीं होगा। इसलिए वो किसी भी हाल में ताजीराज और राज परिवार को बंदी बनाना चाहता है, ताकि मेवाड़ सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दुर्ग देने के अलावा और कोई विकल्प ना बचे हमारे पास। कुंवर प्रताप, हमें इसके लिए आपात रणनीति को अपनाना होगा, ताकि अकबर और मुगल सेना राज परिवार के किसी भी सदस्य को पकड़ ना सके, अन्यथा हम युद्ध लड़े बिना ही युद्ध हार जाएंगे। कुंवर प्रताप, जयमल जी, एकलिंग जी कृपा से हमारे दाजी राज 100 वीरों का बल रखते हैं, और गुरुदेव भी तो है उनके साथ। ये मुगल इनका बाल भी बाका नहीं कर सकते। वैसे तो छोटे वीर अमर सिंह जी भी तो है उनके साथ। जी चक्रपाणि, हम उन्हें कैसे भूल सकते हैं। पर फिर भी समय रहते ये समाचार हमें राणा जी तक पहुंचा देना चाहिए, ताकि वो किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहे। जी, ये उचित होगा। चक्रपाणि जी, आपसे उपयुक्त और कौन हो सकता है इस कार्य के लिए? आपको तुरंत ही जाके उन्हें सूचना देनी चाहिए। पर हाँ, इस बात का ध्यान रहे, आपको मुगलों के पहले पहुंचना है उनके पास। आप चिंता ना करें बाबूजीराज, हम अभी निकलते हैं। हमारे होते हुए राज परिवार का कुछ नहीं हो सकता। चक्रपाणि जी, हमें आप पर पूरा भरोसा है। मुगलों ने दुर्ग को चारों ओर से घेर लिया है, आपको बहुत ध्यान से निकलना होगा। उन्हें इस बात की भनक भी नहीं होनी चाहिए। और हाँ, अमर सिंह जी के लिए हमारा संदेश ले जाइएगा। हाँ बाबूजीराज, आप चिंता ना करें, आपका संदेश हम अवश्य पहुंचाएंगे। अमर सिंह जी, वाह, तलवारबाजी में अब हमसे भी अधिक निपुण निकले। सच दाजी राज, सच। गोगुंडा पहुंचने में और कितना समय राणा जी? अभी कुछ दिन और लगेंगे, हमें शीघ्र अति शीघ्र गोगुंडा पहुंच जाना चाहिए। वहां पहुंचने के पश्चात ही हम सुरक्षित होंगे राणा जी। अमर जी, आप इतने शांत क्यों हैं? लगता है थक गए। रुक जाइए साहब, हमें लगता है कि हमें यहाँ पर थोड़ी देर विश्राम कर लेना चाहिए। सब अपने अश्वों को पानी पिला लीजिए, और अमर जी आप थोड़ी देर खेल लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। राय मेहरबानी, हमें परेशान मत कीजिए। नहीं सुनने हमें तुम्हारी कोई बकवास। हमने कहा चले जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। तुम तो कुछ ज्यादा ही बुजिल निकले। अभी तक डरे हुए हो? कौन कहता है हम खौफ ज्यादा हैं? 40,000 जाबाज सिपाहियों की फौज है हमारे पास। हुसैन अली को भेज रखा है उदय सिंह को गिरफ्तार करने के लिए। बहुत जल्द प्रताप हमारे कदमों में गिरकर अपने बाप की जिंदगी और अपने औरतों की आबरू की भीख मांगेगा। यही तो मैं भी कह रहा था कि 40,000 जाबाज सिपाहियों की फौज है तुम्हारे पास, फिर भी ऐसे ओछे हथकंडों के सिवाय कुछ और नहीं कर पा रहे। हमला करने की बजाय अपनी छावनी में छुप कर बैठे कर बैठे हो। कभी इसे हमला करने के लिए भेजते हो, कभी उसे हमला करने के लिए भेजते हो। कब तक दूसरों की बहादुरी पे खुद को बहादुर समझते रहोगे? अब तक खान बाबा का इस्तेमाल किया है तुमने। अब तो मैदान जंग में अपने शमशीर के दम शहंशाह मुगलिया का मैयार हासिल करके दिखाओ। कहना क्या चाहते हो तुम? तुम तो मोहम्मद गौरी के किस्से सुनाते रहते हो, कहते रहते हो कि एक हार से क्या होता है। मैं तब तक लड़ता रहूंगा जब तक आखिरी जीत हासिल ना कर लूं। तो फिर करते क्यों नहीं हमला? देखो, माजी के तारीखों के किस्से तो हम तुमको चुप कराने के लिए सुनाते रहते हैं। मतलब हाँ, मैं तुम्हारा अपना जहन, अपना जमीर। कब तक झूठ बोलते रहोगे? और झूठ बोलकर हासिल भी क्या करोगे? ऐसे बनोगे अकबर आजम, अपने आप से झूठ बोल के। अगर अब भी ये किला सर ना किया तो याद रखना अकबर, हंसेंगे लोग तुम पर। और
हंसेंगे क्या? हंस रहे हैं तुम पर तुम्हारी अपनी फौज के आम फौजी सिपहसालार सब मजाक उड़ा रहे हैं तुम्हारे। बड़े ही कमाल का मौका है तुम्हारे पास। जीत लो किला, ले लो अपनी मंजिल, लिख लो अपने हाथों से अपनी तकदीर। तुम्हारी यही दलेरी तुम्हें सही माने में शहंशाह हिंद बनाए। बस यही एक जंग लड़नी है, फिर कोई भी तुमसे टकराने की जरूरत नहीं कर पाए। हम अपने घोड़े को स्वयं पानी पिलाएंगे। राणा जी, आज अध्यक्ष कुंवर प्रताप से दूर रहना अमर सिंह जी को कष्ट दे रहा है। एक बार आप उनसे बात करेंगे। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत ही याद आ रही है दादी राज और माँ। इस समय भी अकेले होंगे ना? उन्हें बहुत आवश्यकता होगी हमारी सहायता की, है ना? और ये लोग तो हमें चित्तौड़ जाने ही नहीं देंगे। पर इनकी क्या गलती? ये तो हमें बच्चा समझते हैं ना, इसीलिए हमने एक योजना बनाई है। आज रात जब सब पड़ाव बंद कर सो जाएंगे, तब तुम और हम साथ मिलकर चित्तौड़ के लिए निकल जाएंगे। और फिर दाची राज और हम मिलकर उन मुगलों को पाठ पढ़ाएंगे, और खास करके उस मुगल शहंशाह अकबर को। उसको तो हम ऐसा पाठ पढ़ाएंगे कि फिर कभी मेवाड़ के धरती पे पांव रखने की सपने भी ना देखे। अमर जी, अकबर की सेना यूं ही खेल खाल कर अपना समय गंवा रही है। जानना अति आवश्यक है कि वंचक अकबर की मंशा क्या है। युद्ध में शत्रु को असावधान और निश्चिंत करना सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। गौर से देखो इन चीटियों कैसे चढ़ रही हैं। तुम्हारे लिए किले पर चढ़ना भी ऐसा ही है। क्या इससे भी ज्यादा मुश्किल है तुम्हारी फौज के लिए उस किले पर चढ़ना? बहुत बड़ी फौज है तुम्हारे पास अकबर। घेर लो किला, कर दो चढ़ाई। इंशाअल्लाह फतेह तुम्हारी ही होगी। तारीख खुद तुम्हारे हाथों बनने के लिए बेकरार बना दे अपने हाथों अपने खुद की तारीख। देख जरा बाहर निकल के तुम्हारी अपनी फौज यकीन खो चुकी है तुम्हारी अजमत। बस मसा रहे हैं लड़ने के। एक बार अपनी फौज को लड़ने का मौका तो दे। यकीनन फतेह तुम्हारी होगी। जिस हुसैन अली को तुमने उदय सिंह को गिरफ्तार करने के लिए भेजा है, खुदा ना खास्ता वो खाली हाथ आ गया तो क्या? छोड़ दोगे अपनी मंजिल को? ये तो हमने सोचा ही नहीं था। बगावत हो जाएगी, बगावत ऐसी बगावत जो संभाले ना संभलेगी तुम। आगरा में नहीं हो अकबर, मैदान जंग में हो। कैसे सामना कर पाओगे अपनी फौज की नाउमीदी का और गुस्से? फिर चित्तौड़ को तो भूल ही जाना, आगरा बचाना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। मैदान जंग में बड़ी फौज के फायदे हैं तो नुकसानात भी हैं अकबर। हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे? सही कह रहे हो, आए थे जंग लड़ने के लिए और खेल रहे हैं चौसर। अब यही करना था तो यहाँ आने की जरूरत क्या थी? ये तो घर में भी खेल सकते थे मजे से, क्यों? मुझे लगता है हमारे शहंशाह खौफ ज्यादा है जंग से,
बुजदिल है ना, इसलिए हिम्मत नहीं कर पा रहे हमला बोलने की। आज तक तो तमाम जंगे बैरम खान ने लड़ी है इनके लिए, हमेशा सजी सजाई मिली है तश्तरी में इनको फतेह। अब इनको क्या तजर्बा मैदान जंग का, ये तो बस नाम के है शहंशाह मुगलिया। तो ना इन्होंने ही मरवाया बैरम खान को। मुझे तो लगता है यही करेंगे मुगल सल्तनत का बेड़ा गर्क। चलो खेलो खेलो खेलो। सुन रहे हो अपनी सिपाहियों की बातें तुम्हारा मजाक उड़ाने की बजाय तुम्हारी अजमत के सामने खौफ ज्यादा होना चाहिए। अब भी मौका है तुम्हारे पास अकबर, दिखा दो इन्हें मुगल सल्तनत के सबसे बेखौफ और खतरनाक जंगजू होते, बता दो इन्हें कि तुम्हारे अंदर भी पैदाइशी गैबी कुव्वतें हैं अकबर आजम बनने की। बता दो इन्हें कि सही माने में शहंशाह मुगलिया कहते किसे हैं। मुगल स्वयं तो ऊपर क्या कर रहा है? जंग का आगाज कर दिया है हमने, अब जंग शुरू होगी। हम सरेआम सबके सामने ऐलान करते हैं कि हम चित्तौड़ के किले पर फतेह हासिल करके रहेंगे, चाहे हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े, कुछ भी। अकबर आजम जिंदाबाद, अकबर आजम जिंदाबाद।